हबीबा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के घर वालों का कहना है उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसको मार दिया गया है। लड़की के घर वालों ने बताया है कि लड़की को टॉर्चर भी किया जाता था और उससे पैसों की भी मांग की जाती थी। शादी को एक साल भी पूरे नहीं हो पाए और लड़की ने सुसाइड कर ली। लड़की के घर वालों ने विनोवा भावे नगर पुलिस में कंप्लेन दर्ज की है। धारा 498 306 34 IPC के तहत पुलिस ने FIR दर्ज की है। आइए जानते हैं उस लड़की के घर वालों का क्या कहना है। हॉस्पिटल में इस टाइम हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई हुई थी, सर आप थे नहीं, आपकी बेटी की जो है डेथ हुई है, इसे कहा जा रहा है कि उसको मारा गया है, इसमें आपको कब जानकारी हुई इस चीज़ की, क्या हुआ था? हमको रात को 2:30 करीब जानकारी हुई। हम तो बाहर थे, वहाँ हमारे पास फोन गया कि ऐसी सी बात हो गई है, तो ये प्लान के तहत मारा गया है, समझ गए, उसको प्लान के तहत मारा गया है और उसको टॉर्चर किया जाता था जब से शादी हुई है। सब टाइम हुआ था शादी हो गया, एक साल हो गया आज की डेट में, आज के दिन में एक साल हो गया। कुछ बात हुई है? नहीं, हम लोग इस बात को झेल रहे थे कि बात बन जाए, इज्जत की बात है, बाहर ना निकले, लेकिन ये लोग जो है तो उसको पूरा उछाल दिए, प्लान के तहत किए हैं, उसको मारा गया है। सर आपके रिलेटिव आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई इन लोगों ने पहले से ही, जब से शादी हुई है आज तक, सिर्फ जब भी उस लड़की इसके घर आई है सिर्फ इन लोगों ने खाली टॉर्चर किया है। हमेशा कोई ना कोई डिमांड की है और हमेशा कुछ ना कुछ मांगा है और हमेशा बस एक ही सवाल रहता था कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, बाप से लेके बेटे तक यही सवाल हमेशा ये लोग करते रहे और हमेशा डिमांड करते रहे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदे को हिंदुस्तान जैसी जगह पे तो रखना ही नहीं चाहिए। लोगों को, यहाँ की जनता को मिलकर मारना चाहिए, यहाँ की जनता को मिलकर मारना चाहिए, उसको चप्पल चप्पल उस आदमी को मार के उसके मुंह से दांत तक निकाल लेना चाहिए। इतना गंदा आदमी, बताइए, जिस इंसान ने किसी जवान बेटी का जान ले लिया वो इंसान साला कैसा इंसान है? क्या उसके घर में बहन बेटी नहीं है? कैसा इंसान है? यहाँ के प्रशासन के लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई पुलिस पर आप क्या सवाल उठाते हैं? भाई मैं तो उनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि बिल्कुल हमारा सहयोग करेंगे और उनकी तत्काल गिरफ्तारी करें जो है। मुंबई पुलिस ने भी आपको कोई आश्वासन दिया है? भाई आश्वासन दिया है कि हम गिरफ्तारी करेंगे। कब करेंगे गिरफ्तारी? अभी क्या पता कब करेंगे, आश्वासन ही दिया है, बस आश्वासन तक है। मुंबई पुलिस अगर इस पर एक्शन नहीं लेती तो आप मुंबई करेंगे? बिल्कुल, हमारा जहाँ तक हद है, हमको जहाँ तक मतलब संविधान में हमको मिला है वहाँ तक हम जाएंगे, जो भी हमारे अंदर जितनी क्वालिटी है हम सब। ये लड़के का बैकग्राउंड क्या है जिसने, जिसके घर में मामला हुआ है? ये लड़के का बैकग्राउंड क्या है? अब लड़के का बैकग्राउंड पूरी पूरी रात गायब रहता है, सुबह 5 बजे आता, अपनी बीवी को मारता था, यही काम उसका था, यही बैकग्राउंड उसका है। ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, ये लोग ऑयल माफिया है कुल्ला के, ये तो आप सारे लोग जानते हैं कुल्ला के, किसी से भी आप पूछोगे तो बताऊँगे कितने बड़े ऑयल माफिया हैं। जानकारी प्राप्त हुई वो यही जानकारी कि ऑयल माफिया है जो, और ये लोग के ऊपर और केसेस चल रहे हैं पहले से? पहले से चल रहे हैं क्या? पहले से काफ़ी केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो सारे यहाँ के पुलिस वाले जानते हैं, सारे पुलिस वाले जानते हैं, सबको ये पता है, सबको यहाँ पता है, हर इंसान को पता है कि क्या करते हैं वो लोग, सबको जानते हैं। सुनने में आया कि जब ये लड़की जो डेथ हुई है इसके फादर से, जब ये धंधे में मार्केट जो क्रैश हुई है इसमें लोग का जो नुकसान हुआ थी, ये लड़की के बाप को बराबर प्रेशर करके पैसा मांगते थे और वो देते रहे इनको बराबर, ये सच है क्या? ये तो भाई कितना देते रहे, वो सीधे साधे आदमी हैं बेचारे, कितना दिया है ये तो वो जानते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कितना दिए हैं और कितना वो ले चुके हैं, ये अब हम बता नहीं सकते। उसके बाद लड़की का इस्तेमाल कर रहे थे लोग, उसके बाद भाई वो मोहरा बनाया हुआ था उन लोगों ने, उस लड़की को मोहरा बनाए हुए थे ये लोग और उसी को यूज़ करते थे ये लोग, खाली मारते थे और टॉर्चर करते थे, वो ले आते थे 15 दिन 20 दिन, खाली इनका वही काम था टॉर्चर करना, ससुराल से पैसे मंगाना, बस यही काम था इनका। ठीक सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर। ये बात का इतला किस वक्त मिली आपको? हमें हमारे बच्ची की इतला हमारे रिश्तेदारों के जरिए मिली, लड़के के घर वालों ने इतला नहीं दी, ना दुबई टेलीफोन करके बताया। हम लोग दुबई में रहते हैं, दुबई में हमारे कज़न लोगों की मदद से हमको टेलीफोन आया, ये सारी खबर हमको मिली, ठीक है। उसके बावजूद हम लोगों ने आने की तैयारी करने की कोशिश की, सुबह की फ़्लाइट हमको नहीं मिली, इसलिए जेट एयरवेज बंद है, एमरेट्स एयरलाइन से हम लोग आए हैं। और ये हबीबा जो हमारी भांजी लगती है, मैं उसका मामा हूँ, इसने हाई स्कूल आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से किया है, उसके बाद ये और तालीम हासिल करने के लिए लखनऊ गई हुई थी, लखनऊ हॉस्टल में रहकर
इसने इंटर किया है और उसके बाद ग्रेजुएशन की है। ये जो लड़के वाले जो आरोप उन पे लगा रहे हैं कि आपको किस तरह से ये लग रहा है? ये खुदकुशी नहीं है, इसको ज़बरदस्ती उकसाया गया और उकसा के इन लोगों ने खुद मारा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए कि वो बच्ची क्वालिफाइड थी, है क्वालिफाइड थी, हॉस्टल में रहती थी, वो अपने माँ बाप की इज्जत आबरू का हर तरीके से वो ख्याल रखने वाली थी और उसके अंदर इतना सेंस था कि मैं क्या कर रही हूँ, इसका मेरे माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये इन लोगों ने लड़के वालों में किया है ये सारा मामला करके, और पुलिस को इतला कर पुलिस को बताया, फिर पुलिस वहाँ पहुँची है और उसकी फूफी को भी बुलाया, मेरी भांजी की फूफी यहाँ रहती है, वो गई है और उसके साथ उनका बेटा गया काशिफ, तो दरवाज़ा तोड़ के इन लोगों ने देखा तो बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। लेकिन अब ये बच्ची हमारी कभी कभी भी नहीं ऐसा कर सकती है, ये दावा है मेरा, मेरे गोद में वो बच्ची खेली है और मेरे हाथों से पली है वो बच्ची। ऐसा भी मालूम पड़ा था कि वो रोज़ा रखे हुए थे? जी, उसने सुन्नत के दो रोज़े सवे बरात के रखे हुए थे, रोज़ा खोलने के बाद ये सारा मामला हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि आपके जो लड़की थी 1.5 महीने की कुछ बच्ची थी उसकी भी मौत? जी, वो नहीं नहीं, वो पेट से थी, 1.5 महीने का बच्चा उसके पेट में था, ये जो है, और ये प्री प्लानिंग पूरी इन लोगों की साजिश थी, इस तरीके से इन लोगों ने किया है, ये वारदात को इन लोगों ने किया है। आप क्या चाहते हैं अभी इसके बाद में, जो केस पुलिस ने अभी दर्ज किया है, मामला भी दर्ज किया है, और या कहां तक सही आप जानते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये हाल हमारे देश का, कहाँ तक बेटियाँ सुरक्षित हैं, ये खुद हैं, हमें जो है इंसाफ चाहिए।